12 साल बाद सऊदी अरब सीरिया के आगे नरम पड़ा है, सीरिया के लिए अपने दिल को नरम किया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है आसान और सिंपल भाषा में आपको बताता हूं और आपको समझाता भी हूं और आपको समझ में भी आता है। बस आपसे गुजारिश है कि अपने छोटे और बड़ों के साथ भी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, घर खानदान और सभी दोस्तों के साथ इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, काफ़ी काम की खबरें इसके अंदर होती हैं। सीरिया के साथ सऊदी अरब के रिश्ते 12 साल पहले खराब हो गए थे। आसान जबान में कहानी आपके दिमाग में बिठा देता हूँ। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है, बशर अल असद ईरान के समर्थक है और अभी तक सऊदी अरब ईरान के खिलाफ रहने वाला देश था। इसी वजह से बशर अल असद के खिलाफ कहानी ये भी आ रही है कि खुद सऊदी अरब की सरकार ने सीरिया के विपक्ष के गुंडों और आतंकियों को फंड किया था, लड़ाकों को फंड किया था कि बशर अल असद की सरकार गिरा दो, जिसकी वजह से सीरिया और सऊदी अरब के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में जा चुके थे। 2012 में सऊदी अरब ने अपनी एम्बेसी और डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे सीरिया के साथ। अब जब ये बहुत बेहतरीन दौर आया है, अल्लाह इस दौर को सलामत रखे और तमाम मुस्लिम ममालिक के बीच में रिश्ते मजबूत बने, आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अब ये जब ईरान के साथ रिश्ते ठीक किए हैं जैसे ही सऊदी अरब ने, बहुत सारे बिगड़े हुए हालात अब ठीक होने लगे हैं। ईरान का समर्थक बशर अल असद है, सीरिया है, तो सीरिया के साथ भी, ईरान के साथ सऊदी ने नॉर्मलाइजेशन किया तो सीरिया के साथ भी नॉर्मलाइजेशन करना शुरू कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से। खबर यह है कि नॉर्मलाइजेशन सीरिया और सऊदी अरब के बीच करवाने वाला यूएई और रशिया है। यूएई और रशिया ईरान के दोस्त हैं और इस वक्त सऊदी अरब भी ईरान को अपना भाई सगा भाई कह रहा है। ऐसे में सीरिया को अलग थलग फेंकना सऊदी अरब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन इतनी तेज़ी से होने वाला है कि खबर यह है कि इसी ईद उल फितर पर, यानी ईद जो आने वाली है इंशाल्लाह, सऊदी अरब के विदेश मंत्री खुद सीरिया पहुंचेंगे और दमिश्क में अपनी एम्बेसीज और अपने दफ्तर को खोलेंगे। उधर स्विट्जरलैंड में हूथीज और सऊदी अरब की गवर्नमेंट बात करके राजी हो गई है कि दोनों 900 कैदियों की अदला बदली करेंगे। अरब की जो सरकार है वो भी हूथीज के कैदियों को रिहा करेगी, उसके बदले हूथीज अरब के फाइटर्स को रिहा करेगी। फिलिस्तीन अथॉरिटी इसराइल के साथ पीस टॉक अभी से नहीं, सालों सालों से करती आई है, हर साल ये बात होती है और लगातार बात होती रहती है, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मना कर दिया था, हम इस बार बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो बात करने लायक ही नहीं। लेकिन मैंने आपको कल की रिपोर्ट बताया था कि नेतन्याहू से फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार बातचीत कर रही है ताकि रमज़ान में झड़प ना हो। अब इसराइल ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, जिसके बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि नेतन्याहू से हम पीस टॉक कर रहे हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस कि झड़प ना हो, हिंसा ना हो, हमारा इलाका हमें दिया जाए, हमारे इलाके में आपकी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, आपकी घुसपैठ ना हो, आपके लोग हमारे लोगों को मारे ना, इस तरह की पीस टॉक करने के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी तैयार हो गया है। दोस्तों इंडोनेशिया में सॉकर वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। मई जून के महीने में इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। खबर यह है कि इसमें इसराइल भी है और इसको अलाउ किया गया। अब इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया में मुसलमानों की इसी देश इंडोनेशिया में है। अब लाखों की तादाद में इंडोनेशिया के मुसलमान सड़क पर उतर कर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसराइल को इसमें पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। उधर इसराइल की नींद उड़ाने वाला एक ही देश है, नाम है उसका ईरान। ईरान का खौफ इतना है कि नेतन्याहू की सरकार ने अपने यहूदी लोगों को नोटिफिकेशन दिया है, वार्निंग दी है, जो यहूदी इसराइल से बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उनको कहा गया है कि ईरान आपको निशाना बना सकता है और ईरान के निशाने पर आप हो सकते हैं, तो अपनी जान अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखना भैया, खुद अपने आप को बचा लेना, बेहतर यह है कि इसराइल से बाहर ना जाओ। उधर नेतन्याहू एक
क्राइम मिनिस्टर है ये यहूदी खुद कह रहे हैं, एक आतंकवादी है यहूदी खुद कह रहे हैं। अब आतंकवादी की सरकार में उसकी पसंद के सारे आतंकी होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सीएम हो, गृहमंत्री हो, सारे आतंकवादी ही होंगे। ऐसे ही यहूदी आतंकवादी सरकार में जो यहूदियों का फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी आतंकवादी है। उसने फिलिस्तीन के एक पूरे गांव को मिटा देने का बयान दिया था, जिसके बाद यूएन से लेकर अमेरिका तक भड़क गए थे कि यार तुम मारकाट करना है, अंदर अंदर करो, खुले में अपना शैतानी चेहरा क्यों दिखा रहे हो, हम आपको समर्थन कैसे देंगे। मतलब ये तो नहीं बोला था लेकिन यही मतलब था, वरना अमेरिका का भी इसराइल के खिलाफ बयान दे ऐसा ख्वाब में भी आप नहीं सोच सकते ना हम देख सकते हैं। अब वही इसराइल का शैतान फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांस पहुंचा और पेरिस में उसने जो बयान दिया है वो बिल्कुल उल्टा बयान दिया है। उन्होंने फिलिस्तीन जुमले को ही आविष्कार बता दिया, कह दिया फिलिस्तीनी कोई नहीं है, ऐसे तो होने को मैं हूं, लेकिन फिलिस्तीन एक आविष्कार है, फिलिस्तीन के लोग एक खोज है, लोगों ने अपने आप सोचा हुआ है कि ये फिलिस्तीन, जबकि फिलिस्तीन कुछ नहीं है, फिलिस्तीन ग्रेटर इसराइल के पीछे है, यानी इसराइल सब कुछ है, इसका एक छोटा टुकड़ा फिलिस्तीन है, सब इसके पीछे हैं। ग्रेटर इसराइल में तो जॉर्डन भी आता है और जॉर्डन के साथ कई इलाके आते हैं। याद दिला दूं, सन 1994 में जॉर्डन और इसराइल के बीच पीस डील हुई थी, यानी 1994 से पहले बॉर्डर को लेकर इसराइल और जॉर्डन में भी झड़प होती थी। जॉर्डन को अपना हिस्सा बताता था इसराइल और जॉर्डन अपने आप को आज़ाद बताता था। तो 1994 में ये डील हुई, जिसके बाद ये फैसला हो गया कि भाई जॉर्डन अलग है, हमारा इसराइल का ये बॉर्डर अलग है। तो ये जो बंदा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इसने पेरिस में ये भी कह दिया कि ग्रेटर इसराइल के पीछे तो ये भी जॉर्डन भी आता, जिस पर जॉर्डन भड़क गया है। जॉर्डन ने इसराइल के अम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद इसराइल को बयान देना पड़ा, सफाई पेश करनी पड़ गई इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को, कह दिया भाई साहब 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था हम उसको मानते हैं, लेकिन जिस बंदे ने बिल्कुल उल्टा बयान दिया पेरिस में जाकर इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर, उसका ये घटिया बयान देखिए। इस वक्त यहूदी भीड़ फिलिस्तीनियों के इलाकों पर चुन चुन के हमला कर रही है। अब ये तस्वीर देखिए, सल्फित नाम का एक फिलिस्तीन का गांव है, वहाँ पर यहूदियों ने घुसपैठ करी, गाड़ियों के ऊपर पेंट से झंडा बनाया, साइन बनाया, घरों की दीवारों पर पेंटिंग की, मकानों को तोड़ा और गाड़ियों की हवा निकाली, लगभग 25 से 30 कारें इन्होंने क्षतिग्रस्त करी हैं। उधर इसराइल के प्रेसिडेंट ने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है। कजाकिस्तान के साथ पहले से ही इसराइल ने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, लेकिन इसराइल और भी ज़्यादा साथ मांग रहा है, कॉपरेट करने की बात कर रहा है कि आप हमारा हर तरह से साथ दें, यानी वही फिलिस्तीनियों पर हम जो जुल्म और सितम करें आप अपनी चोंच बंद रखें, इसके बदले हम आपको सब कुछ देंगे। नेतन्याहू आतंकी की सरकार के एक गुंडे मंत्री जिसका नाम है बेंजीवीर,
उसी के काफ़ी सारे साथी नेता अमेरिका बाइडेन सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं भाई साफ कह रहा हूं, मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, साफ बात कहता हूं और सुखी रहता हूं, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी इसराइल के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है और डील हुई है कि भड़काऊ काम दोनों में से कोई नहीं करेगा, लेकिन इब्राहिमी मस्जिद के अंदर यहूदियों ने रमज़ान से 2 से 3 दिन पहले ही मस्जिद के अंदर डांस कॉन्सर्ट रखा और नंगई की सारी हदें पार कर। उधर यूएन का ईरान के खिलाफ बड़ा बयान आ गया। यूएन ने कहा है कि ईरान मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। उधर ब्रिटेन ने ईरान की IRGC फोर्स पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उधर पहली बार ऐसा हुआ है, ईरान का अपना कैलेंडर है और अपना साल है। ईरान ने कल के दिन अपना नया साल सेलिब्रेट किया है जिसको नौरोज ईरान में कहा जाता है। नौरोज के इस शुभ अवसर पर ईरानियन यानी पर्शियन न्यू ईयर पर पहली बार बाइडेन ने ईरान के लोगों को मुबारकबाद दी। पहली बार व्हाइट हाउस में ईरानियन पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया, पहली बार। देखिए, as we celebrate new beginnings, Jill and I along with Kamala and Doug are honored to host a new national tradition. I say a new national tradition. The first Nowruz reception on this scale ever held in the White House. And you're having fun. Excuse me, I have a little bit of a cold. It's a celebration that's been a millennium in the making, observed by millions of people around the world this very day. And the roots in ancient Persia, you know, one that was carried on by people in the gardens of Shiraz, the mountains of Kabul and Erbil, and the shores of Baku and beyond, most of which I've got a chance to visit, but I got to get to come home too. And one that has always been honored anew by diverse diaspora and communities across the United States, including all of you. You know, folks, it's the start of a new year that reminds us of hope and what lies ahead. उधर इतना ही नहीं, इजराइल ने भी ईरान के न्यू ईयर को विश करते हुए कहा कि ईरान के लोग जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ। We would like to wish Nowruz Mubarak to the Iranian people who are fighting for their freedom. Israel condemns the brutal response of the Iranian authorities to the protests that erupted after the murder of Jina Mahsa Amini on September 16 last year. The violent crackdown on those demanding freedom and change led to the death of at least 476 people. Hundreds of protesters were injured and thousands more detained. Israel is extremely alarmed by the horrific testimonies of those in detention, including reports of people, some children, being subjugated to beating, electric shocks, sexual assault and threats. Mr. Vice President, Israel also condemns the use of death penalty as a tool of repression by the Iranian authorities.
authorities, we are alarmed that at least 500 people were executed in 2022, including two persons sentenced as children, two LGBT activists, and 13 women. Mr. Vice President, Israel condemns the systematic discrimination and persecution that minorities have faced in Iran for decades, including the Baha'is, the Baluchis, Christian, and Sunni Arabs. For example, Baluchis represent 30% of all executions last year, despite only representing between 2 to 6% of the population. The response by the Iranian security forces to the protests, which occurred last year, also had a disproportionate impact on minorities. Mr. Rapporteur, what more can be done to protect ethnic and religious minorities in Iran? I thank you. उधर बड़ी खबर आई है ईरान की तरफ से। ईरान ने बताया है कि बहुत जल्द ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद ईरान और सऊदी अरब सबसे करीब आ जाएंगे। वहीं तुर्की के लिए बताया जा रहा है, तुर्की में भूकंप की वजह से 50,900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1,00,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सारे तुर्की के नुकसान देखने के बाद यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को 1 बिलियन यूरोज डोनेशन देने की बात कही है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द यूरोपियन कमीशन अलोन विल सपोर्ट टर्की विद 1 बिलियन यूरो फॉर द पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन। वी ऑल्सो प्लेज अ फर्दर पैकेज ऑफ 108 मिलियन यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड अर्ली रिकवरी इन सीरिया। ऑन टॉप ऑफ दिस आवर मेंबर स्टेट्स एंड द यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस will make additional pledges. उधर इराक के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया है कि बहुत जल्द वो तुर्की के दौरे पर आने वाले हैं। भारतीय लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। भारत के लोग जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी इंडियन हैं, जिनका नाम सत्या है। आईबीएम दुनिया की बड़ी कंपनियों में यह आती है, जिसका नाम अरविंद कृष्णा है, ये उसके सीईओ हैं। बड़े बड़े ऐसे कंपनीज हैं। ऐसे ही एक और नाम ऐड हुआ है जो बड़ा फेमस ब्रांड है, स्टारबक्स, जिसकी कॉफ़ी पीने की भाई मेरी तौकात है नहीं, मेरे को पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी स्टारबक्स लड़कियों को बड़ा पसंद आता है। चाय घर में जो है बिना दूध की चाय पीती हूँ, चिमकैंडी, लेकिन स्टारबक्स मुँह से ऐसे निकलता है जैसे ओहो रोज़ पीती हैं। बहरहाल तो स्टारबक्स की कंपनी के सीईओ भी अब इंडियन हैं, भारतीय हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिंहन। उधर आईएमएफ ने श्रीलंका को राहत देते हुए 2.9 बिलियन डॉलर की राहत पैकेज का ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रख चुका हूं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। दोनों हाथ उठाकर दुआएं दीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।